माँ भारती को प्रणाम करते हुए, आपके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए, बच्चों आपको बहुत ढेर सारा प्यार करते हुए कहता हूँ सुबह की राम राम और अम्बे मैया की जय। आज मैं दो ग्रहों के बारे में बड़ी खास बात करने जा रहा हूँ, एक बुध और दूसरा शुक्र। आपको मालूम है यदि ये ग्रह दोनों खराब हो जाएं तो किसी का भी जीवन मटिया मेट हो जाएगा, उसके जीवन में उठने के चांसेस लगभग खत्म होते हैं और वो नाना प्रकार की बीमारियों से, ग्रस्त की समस्याओं से जूझता हुआ जीवन में बहुत विक्षिप्त जैसी स्थिति में आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप डर जाएं। मैं सदा कहता हूँ परेशानी को गंभीरता से समझिए, लेकिन परेशानी से परेशान मत होइए, बल्कि उपाय कीजिए, मेहनत कीजिए, कर्म कुशलता पूर्वक करना शुरू कीजिए। तो चलिए बुध और शुक्र की समस्याओं को समझिए। बुध यदि आपका खराब होना शुरू हुआ तो संतान नहीं होने देगा। पुरुषों का बुध यदि खराब होना शुरू हुआ होता है तो ये देखा गया है कि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी उनकी संतान उत्पत्ति की क्षमता पर बुरा असर पड़ने लगता है। बुध यदि आपका खराब होता है तो कैलकुलेशंस में आप कमज़ोर होते चले जाते हैं, चाहे ये कैलकुलेशन जीवन से जुड़ी हुई हो, या ये गणित की कैलकुलेशंस हो, या ये अकाउंट्स की कैलकुलेशन हो, या ये परिस्थितियों का आकलन हो, आप किसी भी गणित में फेल होने लगते हैं, आपको गणित समझ में नहीं आता, आप कैलकुलेशन से बचने लगते हैं। यदि बुध आपका खराब होता है तो ये तय मानिए कि धन कभी आपके पास रुक नहीं सकता, घर में लक्ष्मी बरस जाए ऐसी स्थिति आ नहीं सकती, धन आ भी रहा होगा तो कहीं ना कहीं वह धन खत्म हो जाएगा। आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई कभी भी आपके प्रोफेशन में काम नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो CA बन गए, पढ़ लिख के वो बहुत CA बन गए, इंजीनियर्स बन गए, लेकिन उससे वह अर्निंग नहीं कर पाए, उससे ना तो वह धन कमा पाए ना वह उससे प्रतिष्ठा कमा पाए, क्योंकि बुध यदि खराब है तो आपके प्रोफेशनल स्किल्स को आपके जीवन में उतरने नहीं देता, आप उससे कॉमर्स नहीं कमा सकते, धन नहीं कमा सकते, ऐसी स्थिति होती है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, किसी व्यक्ति का जब बुध बहुत कमज़ोर होना शुरू होता है तो ऐसा व्यक्ति बिखरता बहुत जल्दी है, एकदम बिखर जाएगा, समय पर अपनी बात कह नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, उसके अंदर ज्ञान की स्थिति बहुत कम होती चली जाती है, बुद्धि और विवेक का वह निर्णय नहीं कर पाता, बुद्धि और विवेक से अपने काम को बना नहीं पाता। और बुद्ध की स्थिति जब कमज़ोर होती है तो ये वो लोग होते हैं जो दुनिया के त्राण सहते हैं, दुनिया के ताने सहते हैं, सही होते हुए भी दुनिया वाले उन्हें कुछ भी कहते हैं लेकिन ये समय पर अपनी बात कह नहीं पाते और अंदर घुटते चले जाते हैं। बहुत सारे लोग बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं लेकिन अच्छा लिख पढ़ नहीं पाते, अच्छा बोल नहीं पाते, उनके अंदर वक्तव्य देने की क्षमता नहीं होती, भाषण वह दे नहीं पाते और इसका असर उनके घर गृहस्थी के भी संबंधों पर पड़ता है। तो पुरुष का पुरुषत्व खत्म करता है, स्त्री की संतान उत्पत्ति की क्षमता को खत्म करता है, गृहस्थ में दोनों लोगों को वाणी दोष की वजह से झगड़वा देता है, अकाउंट्स मैथमेटिक्स जीवन की गणनाओं में वहाँ पिछाड़ देता है। तो आप समझ लीजिए कि यदि बुध खराब है तो क्या क्या होगा। तो मैं बुध की बात आपसे कर रहा था, आप देख रहे हैं ग्रह जब खराब होता है तो कितनी सारी समस्याएं देना शुरू करता है। बुध की कमजोरी से एक दो परेशानियां और होती हैं जिनके बारे में सुनेंगे तो आज आप अचंभित रह जाएंगे। ये आसानी से सोने नहीं देता, ये बहुत सारी कल्पनाएं कराता रहेगा, अनजाना डर लगता रहेगा, आप किसी को सपने में गरिया रहे होंगे, किसी को सपने में गुस्सा कर रहे होंगे, आप किसी से सपने में डर रहे होंगे, किसी से बातें करता है बैठ के अकेला व्यक्ति, ये बुध के कारण होता, अकेला बैठ के बतियाता रहेगा, कभी राष्ट्रपति बन जाएगा, कभी प्रधानमंत्री बन जाएगा, कभी दीनहीन बन जाएगा। और इसी बुध की कमजोरी की वजह से व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता कम होती चली जाती है। अब जैसे यदि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं या अब व्यापारी हैं तो आपको भी क्विक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन वो क्विक निर्णय भी हो इस प्रकार कि उसके पीछे रिसर्च हुई हो, है ना, तभी वो निर्णय आपके काम आएंगे, अन्यथा वो निर्णय आपके काम नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका बुध खराब है तो क्विक तो हो जाएंगे लेकिन उसके पीछे की जो सारगर्भता है वह खत्म हो जाएगी, यानी आप उन निर्णयों को बहुत सोच समझ के गहराई से नहीं ले पाएंगे, जब वो निर्णय एग्जीक्यूट हो जाएंगे उसके बाद फिर आप पछताएंगे। बुध खराब होने वाला व्यक्ति या जिसका बुध खराब है ऐसा व्यक्ति हर निर्णय के बाद पछताता है। एक और बात बताऊँ आपको, जब बुध खराब होना शुरू होता है तो व्यक्ति के अंदर
छदम अहंकार आना शुरू होता है। उसके पास नॉलेज नहीं आती है, पर्सनैलिटी नहीं आती है, लेकिन अहंकार घमंड आने लगता है। और उसकी पहचान क्या है भाई? घमंड सूर्य भी देता है, मंगल भी देता है, बृहस्पति भी देता है, शनि भी देता है, लेकिन बुध का घमंड क्या है? वह है अपनी वाणी से दर्शाता है। कैसे? तंज बहुत मारेगा, तंज मारे बिना, कमेंट किए बिना कुछ करी। जैसे कोई एक चीज कहीं उसने गलत देख ली तो क्या कर? अरे भारत में तो ऐसा ही है, पूरा भारत, पूरा सिस्टम खराब है, तुरंत सिस्टम पे चला जाएगा। ये नहीं देखेगा कि वह स्वयं भी उस सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि इतनी बुद्धि ही नहीं होती। और उसकी दोस्ती सिर्फ उन्हीं लोगों से हो सकती है जो किसी को भी लानत भेजने में मास्टर होते हैं, काम भले ही कुछ ना करें, क्योंकि बुध आपको काम नहीं करने देता। और खासतौर से पुरुषों के लिए तो ये काल बन के टूट पड़ता है। बुध अल्प आयु में मृत्यु के संकेत देता है यदि खराब है तो। तो कितनी सारी परेशानियों की फेहरिस्त मैंने आपको पकड़ा दिया। अब आप डर रहे होंगे, लेकिन मैं सदा कहता हूं डरना नहीं है, ये सिर्फ अलर्ट करने के लिए होती हैं बातें। आप अलर्ट हो गए हैं ना, अब आप उपाय कर लीजिएगा, मैं आप सब ठीक हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, जो लोग माँ दुर्गा की नित्य प्रतिदिन आराधना करते हैं उनको बुध की समस्याएं नहीं सताती। विशेष रूप से यदि आप महिषासुर मर्दिनी की स्तुति करते हैं तो आपको ये परेशानियां नहीं होती। दूसरी बात, यदि आप पांच मालाएं कमल गट्टे की ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः इसकी करते हैं तो आपको ये फिर ये परेशानियां नहीं होती। एक और विशेष उपाय है, यदि आप 8 वर्ष से छोटी कन्याओं की मदद करते हैं तो बुध की इतनी विकट परेशानियां कभी नहीं होती हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिसका बुध खराब होगा उसको बुआ का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन बुध को ठीक करने के लिए बुआ बहुत जरूरी है। इसलिए आप बुआ के पैर वैर छूते रहिए, कभी कभार उनसे बातचीत करते रहिएगा, आपका बुध अच्छा रहेगा। और अब गुरु मंत्र, हरा धागा हो विधारा की जड़ हो, और उस विधारा की जड़ को ओम दुम दुर्गाय नमः के कम 5,000 मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया हो तो बुध से होने वाली वो सारी परेशानियां, जो सारे लक्षण मैंने अभी आपको बताए हैं, उनका शमन होना शुरू हो जाता है, परेशानियों से आप मुक्त होना शुरू हो जाते हैं और बुद्धि काम करने लगती है। वैसे आपको एक गहरी बात बताऊं, जिस व्यक्ति के कर्म शुद्ध होने लगे और बुद्धि का जागरण होने लगे, विवेक का जागरण होने लगे, वह स्वतः ही बहुत सारे ग्रह जनित परेशानियों से बाहर निकलता है। इसलिए हम तो प्रार्थना ये करते हैं, हे माँ तो मेरी, शक्ति मेरी, शुद्ध मुझको कीजिए। शुद्धता सबसे बड़ा उपाय है, ये अगर आपने कर लिया तो बुध कभी भी परेशान आपको कर नहीं सकता। बुध क्या, कोई भी ग्रह नहीं कर सकता। लेकिन शुक्र की बात तो रही गई, कल बताऊंगा, अभी तो हमारे पास माँ दुर्गा के कई दिन है ना, तो कल मैं शुक्र की आपको बात बताऊंगा। ये बहुत सारे निसंतान दंपतियों के लिए भी बहुत आवश्यक होगी। कल जो मैं शुक्र की बात करूंगा, जिन लोगों की ज़िंदगी में वैभव नहीं है उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होगी। कल जो मैं शुक्र की बात करूंगा, वह उन लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक होगी जो जीवन में कोई विशेष शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। अभी हम चलें, बोलिए अम्बे मैया की जय।